जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको बता दें कि आज आपका यूपी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर था, ठीक है। 3 जुलाई 2022, ठीक है। तो हम संपूर्ण पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, टोटल पेपर सॉल्व करेंगे और आप अपने आंसर मिलाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, ठीक है। यूपी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का आपको पता है कि कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो 120 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 120 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का था, ठीक है। 1.5 घंटे आपको समय दिया गया था, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है। अनुदान जिसको छूट जाता है उसको बोलते हैं। अनुभवी मतलब जो अनुभव प्रदान करता है, जिसको अनुभव होता है दोस्तों। अनुयायी बोलेंगे जो किसी के पीछे किसी सिद्धांत का समर्थन करता है, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुयायी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। तो ये आपका आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये सही है आपका सी नंबर, बिल्कुल सही। चलिए अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो हिंदी वाला शब्द कौन सा है मेरे साथियों। तो आपको पता है कि हिंदी वाला शब्द कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मीत क्या है दोस्तों। मीत दोस्तों मित्र है ना, तो मीत आपका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है, समझ गए होंगे। चलिए हस्तमिश हाथ पीत मतलब पीला दोस्तों, ठीक है। चलिए लज्जा लाज, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए इसको आप बोल के भी देख सकते हैं, प्रभाव होता है यानी पुरलिंग का निर्माण किया जाता, विवाह होता मगर भाषा बोली जाती, तो भाषा वो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए एक लेना एक न देना दो, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी से कोई मतलब न रखना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही, किसी से कुछ मतलब न रखना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इमा, रक्त प्लस इमा क्या हो जाएगा, रक्त प्लस इमा दोस्तों रक्तिमा हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये आपका पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है, पैराग्राफ आ चुका है। 7 से 10 तक के दोस्तों आंसर आपको इस पैराग्राफ से देना है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको सीधा आंसर इसके बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आराम से पढ़िएगा। देखिए सातवें का आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों कौन सा पड़ता है, तो ए हो जाता है, लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं। चलिए अगला है कि आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा यदि आप क्या करते हैं साथियों, यदि अपना स्वभाव प्रसन्नतामय उल्लासमय और हर्ष समन्वित बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 9th नंबर, उल्लास और परोपकार का भाव मन में लाने से कौन सा परिवर्तन नहीं होता, चिंता नष्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। जब आप उल्लास को लेकर आते हो दोस्तों, बिल्कुल चिंता नष्ट हो जाएगी, व्यापार स्वयं आपकी ओर उमड़ आएगा बिल्कुल, और मित्र आपसे मिलने के लिए लालित होंगे रहेंगे दोस्तों, ये भी सही है, मगर ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नत करे, दिन दुगनी रात चौगुनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपको पता है अच्छी तरीके से दोस्तों तरक्की करना, बहुत ही तगड़ी तरक्की करना, दिन दुगनी रात चौगुनी, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अभी हिंदी चल रहा है दोस्तों, 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं। योगदान दोस्तों, योगदान में कौन सा समास है, तो आपका पता नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा योगदान में, ठीक है। चलिए अगला है एकाएक, दोस्तों एक प्लस एक क्या, एक प्लस एक दोस्तों क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, ठीक, एक प्लस एक एकाएक हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होना, ठीक, निश्चिंत होना, देखिए निश्चित नहीं ये बिंदी लगे, निश्चिंत होना मतलब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी कुछ ना, घोड़ा बेच के सो जाना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिरण का पर्यायवाची शब्द है। देखिए धूसर गधे का होता है, तुरंग घोड़ा का होता है, शार्दूल शेर का होता है, दोस्तों सारंग होता है हृदय का, क्या होता है, सारंग होता है हिरण का, ठीक है, समझ गए होंगे, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अमावस्या का विलोम क्या होगा, तो पूर्णिमा होता है दोस्तों, अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमावस्या का विलोम शब्द। चलिए अब चलते हैं दोस्तों जीके की तरफ, ठीक है, हमारा हिंदी कंप्लीट हो चुका है। साथियों हिंदी के 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि हड़प्पा संस्कृत की मुहर और
टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि किसको दर्शाया गया, बाघ है दोस्तों, गेंडा है और हाथी भी है, मगर गाय को दर्शाया नहीं गया। देखिए अगर आपसे पूछता क्वेश्चन दोस्तों टेराकोटा उत्पाद कहाँ का फेमस है दोस्तों, आपका ये है आपके कहाँ का दोस्तों, आपके गोरखपुर का, ठीक, गोरखपुर का टेराकोटा उत्पाद प्रसिद्ध है, ठीक, इसको भी याद कर लेंगे, कभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको पता है इसके नाम चेंज हुए थे, NH7 पहले था जिसका नाम चेंज करके दोस्तों NH44 कर दिया गया, क्या है NH44, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? तो NH44 हो जाएगा। अगला है, दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? दोस्तों जो दांतों में कैविटी होती है किस तत्व की कमी से होती है? तो आपको पता होना चाहिए किसकी कमी से दोस्तों, तो फ्लोरीन की कमी से दोस्तों, किसकी, फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं दोस्तों, फ्लोरीन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपका है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों आपको पता है अभी 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों अमृत महोत्सव शुरू किया गया, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अमृत सरोवर दोस्तों कहां पर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं दोस्तों, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों महान्यायवादी होता है, किसमें, तो आर्टिकल 76 में दोस्तों आपको मिल जाएगा महान्यायवादी, ठीक है। अगर पूछता राज्य सरकार का तो महाधिवक्ता हो जाता, क्या, राज्य सरकार का आपका महाधिवक्ता होता, मगर इसमें दोस्तों भारत सरकार का पूछा गया पहला विधि अधिकारी कौन होगा, तो भारत सरकार कौन होगा, भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 46 में इसका वर्णन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आपको पता होगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, क्या की थी, A.O. ह्यूम द्वारा दोस्तों किया गया था, आपको पता होगा इनके बारे में, ठीक है, इसके द्वारा A.O. ह्यूम आपको पता होगा। और एक चीज बता दें, व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों पहले अध्यक्ष थे ना, W.C. बनर्जी, और दोस्तों ये पारसी अध्यक्ष थे कौन, दादा भाई नौरोजी, दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा मेरे साथियों? तो कौन करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत करने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना था? दोस्तों भारत के उद्यान शहर के रूप में किसको जाना था? दोस्तों किसको जानते हैं हम, बेंगलुरु को दोस्तों उद्यान शहर के नाम से जानते हैं ना, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। चलिए अगला है कि संक्षिप्त नाम URL का क्या अर्थ होगा? दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दोस्तों URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का अनुच्छेद एक भारत को घोषित करता है, दोस्तों भारत को क्या कहता है अनुच्छेद एक, तो संघ राज्य कहता है, और संघ कौन सा दोस्तों, यूनियन वाला, ना कि फेडरल वाला, ठीक है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी दोस्तों, भाग एक का अनुच्छेद एक, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, संघ राज्य यानी यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि आपको पता है कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्या है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? दोस्तों किसने दी है? तो आपको पता होगा सिडबी द्वारा, किसके द्वारा, सिडबी द्वारा दोस्तों यह मंजूरी दी गई है। चलिए अगला है कि किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश काउंसिलिंग के इंडिया UK टुगेदर 2022 ए सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर नामित किया गया? दोस्तों तो किसको किया गया है? तो आपको पता होगा सिंगर दोस्तों AR रहमान, कौन है, सिंगर है दोस्तों AR रहमान जी को किया गया है क्या, एम्बेसडर के रूप में। चलिए अगला है 100 रुपए की भारतीय मुद्रा पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? दोस्तों देखिए सभी मुद्राओं में दोस्तों जितनी भाषाओं में लिखा होता कितनी बार लिखा होता दोस्तों आपको पता होगा 17 भाषाओं में 100 रुपए लिखा होता, 100 रुपए लिखा होता 17 भाषाओं में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हमने आपको पढ़ाया भी है दोस्तों, अगर आपने हमारी
क्लास देखी होगी तो। ठीक है, चलिए अगला है कि किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है मेरे साथियों? तो किसने किया है? केरल राज्य ने। किसने दोस्तों? केरल राज्य ने। ठीक है, किसने किया है? केरल राज्य ने। तो याद रख लेंगे केरल राज्य एक ऐसा राज्य होगा जो कि दोस्तों आदिवासी नवविवाहित के लिए दोस्तों हेल्थ स्वास्थ्य सेवा शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर कि कादरी लेपाक्षी 18-12 जो खबरों में रहा है किस फसल के बीज की एक किस्म है साथियों? तो किसकी है? तो ये मूंगफली की एक किस्म है। ठीक है, और याद रखें दोस्तों कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और चावल सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल में। और गेहूं आपका हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक उगाया जाता है। अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो आपका पंजाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका मूंगफली हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मूंगफली इसका राइट और एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मैथ्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैथ्स क्या कह रहा है हमारा कि एक स्कूल में 76% क्या हैं? लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी साथियों? आपको पता है कि 76% अगर लड़के होगा दोस्तों तो कितने परसेंट बचेंगे? 24% क्या है दोस्तों? लड़कियां हैं। और 24% बराबर दिया हुआ है कितने के? 204 के। ठीक है, 204 के 24% दिया, 24 से हम भाग करेंगे और गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणे 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों अगर इसको सही से आप लगाएंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 850। आप इसको सॉल्व करिएगा क्योंकि सॉल्व करेंगे समय ज्यादा लग जाएगा और आपको केवल अभी मिलाना है आंसर। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित व्यंजक के लिए सही उत्तर चुने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। 0.003 क्या हो जाएगा? 0.003 दोस्तों। पहले आप क्या करेंगे? पहले भाग करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे दोस्तों। 0.003 हो जाएगा। देखिए आप इसको काट सकते हैं। देखिए आपको बता भी दें किस तरह से करना, नहीं तो आप सोचो कि कैसे करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए ये 12 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 0.04। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, अभी 4 से काटिए दोस्तों, 4 से 12 पॉइंट यहाँ लग जाएगा दोस्तों। ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको अगर हम इससे गुणा करेंगे, इससे करेंगे दोस्तों, तो ये आपका 3 0 लग जाएगा। ठीक, तो ये साथियों ये आ जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है दशमलव दोस्तों। ब्रेकेट के अंदर है 0.048 भागे 0.3 माइनस 0.15 को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। तो इसको हम भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे? तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों 1/100 आ जाएगा, 1/100। ठीक है, कैसे करना है? आपको पहले भाग करना है इसको साथियों, फिर उससे घटाना है आपको -15। ठीक है, पॉइंट 15 घटा देना तो आपका 1/100 आ जाएगा। चलिए अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 20/28 है और इनका एलसीएम दोस्तों की एचसीएफ कितना है? 13 है। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी मेरे साथियों? तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए अगला है 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, ठीक है, और 6/16 को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथा नंबर कौन सा होगा साथियों? अगर उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो चौथा नंबर का आपका 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/9 बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। 36 नंबर का कहता है कि 1.40 को 1.6 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों। तो कैसे व्यक्त करेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो आपका 87.5% हो जाएगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको अनुपात में बताना है दोस्तों कितने के बराबर होगा। तो इसको आप काट लीजिए जो कटेगा दोस्तों। देखिए 3 से काट 3 से 21 और 3 4 12, ठीक है, फिर 7 से काट 7 2 14 हो जाएगा दोस्तों, और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और 4/36 18, ठीक है, तो इसको आप सही से करेंगे दोस्तों तो ये जो बचा है आपका 5/15 हो जाएगा दोस्तों। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसको आप काट लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दशमलव रूप में 56/1 लाख का मान होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, वैज्ञानिक कैलकुलेटर में किसी भी उपयुक्त मूल्य के cos -1 को खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी
के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो किस कुंजी के संयोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो शिफ्ट प्लस कॉस की, किसकी, शिफ्ट प्लस कॉस की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक कैलकुलेटर में भिन्न मान 1/25 को, फिर स्पेस है, जैसे प्रतीक वाले कुंजी का उपयोग करके दशमलव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों, तो किस तरह से परिवर्तित करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा a^b/c। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, 23 / 1/3% को दशमलव में व्यक्त करना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस तरह से कर देंगे दोस्तों, इसका हो जाएगा सही 7/30, क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन 7/30। चलिए अगला क्वेश्चन है, 24.4 + 5.656 + 1.131 + 0.089 का मान क्या होगा, तो दोस्तों अगर इसको आप सही से जोड़ते हैं तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही जाएगा, 31.3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साधारण कैलकुलेटर में 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो दोस्तों कौन सा सही क्रम होगा ये आपको बताना है, तो कौन सा होगा, वर्गमूल कुंजी प्लस 25 का, वर्गमूल कुंजी प्लस 25 का यूज करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, साधारण कैलकुलेटर में नीचे दिए गए व्यंजक को हल करने का सही क्रम क्या होगा, तो दोस्तों कैसे करेंगे, सही क्रम क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, वर्गमूल फिर भाग फिर गुणा फिर घटाओ, क्या, भाग वर्गमूल भाग गुणा घटाओ, वर्गमूल भाग गुणा घटाओ, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, साधारण कैलकुलेटर में है ना रूट प्रतीक वाली कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है, तो ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्गमूल खोजने के लिए दोस्तों हम रूट वाले इसका चिन्ह का हम प्रयोग करते, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, यदि एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी समीकरण x - y = 4 x + y = 8 के युग्म का हल, तो ए और बी का मान क्या होगा, तो ए और बी का मान दोस्तों क्या होगा, तो ए और बी हो जाएंगे दोस्तों 6 और 2, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दोस्तों ये है, ठीक है, 6:4:2 है, और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 35,200 है, क्या है साथियों, 35,200 सेंटीमीटर वर्ग है, तो घनाभ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो घनाभ की चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, 20, 80, 10, 40, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 80। चलिए अगला है, यदि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24.64 cm² है, तो गोले का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा, अगर पाई का मान 22/7 ले लिया जाए, यानी पाई का मान दोस्तों 22/7 लेना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 28 इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि घन के एक फलक का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है दोस्तों, कितना हो जाएगा, अगर दोस्तों घन के एक फलक का 44 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 1331 दोस्तों, 11 का क्यूब है ना, 1331। चलिए याद रखेंगे। चलिए अगला है कि एक बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और उसका आयतन 3168 cm³ है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी मेरे साथियों, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों आपका 7 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉस 1590 डिग्री का मान क्या होगा दोस्तों, तो कॉस 1590 डिग्री का मान क्या होगा, तो माइनस का √3/2, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों 500 पाई, क्या हो जाएगा 500 पाई। चलिए अगला, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, यदि पाई का मान 22/7 दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो दोस्तों 18, 36, 108, 72, तो सही ऑप्शन सबका सी हो जाएगा, यानी 72। ठीक है, क्या हो जाएगा 72 मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, cos 30/cot 30 का मान क्या होगा, तो इसका मान अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.5 हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, sin θ = 1/2, तो cos θ = cos 2θ क्या होगा, तो cos 2θ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं कि जब 0.555 जो इंफिनिटी तक जाएगा दोस्तों, इसको
भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम में क्या आएगा, तो दोस्तों आ जाएगा आपका 5/9। क्या आ जाएगा? 5/9। अगला है यदि 233 बराबर 23.3/x दोस्तों, तो x का मान क्या होगा, इसको आप सॉल्व करते तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सी संख्या है दोस्तों? ठीक है, और यानी कि 0.4 की बार लगा है 4 ऊपर, या फिर दोस्तों 0.4 का स्क्वायर है, या फिर 1/5, इसमें सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला है दोस्तों, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई बी पर बी सी पर लंब है दोस्तों, ए ई 10 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 640 है, यदि बी सी बराबर ए बी 6:8:6 है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो साथियों परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप आपको बता दें, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 224। क्या हो जाएगा? 224। चलिए अगला है कि 0.14 का स्क्वायर ठीक है बटे 3.14 और प्लस 0.14 दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 115 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है साथियों, तो इसका बताना है कि एवरेज गति क्या होगी? तो एवरेज गति क्या हो जाएगी दोस्तों? इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है एक सिलेंडर में 20 सेंटीग्रेड और 15 एटीएम है ना पर 12 लीटर आदर्श ऑक्सीजन गैस होती है, तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाता है, तो आयतन 8.5 लीटर कम कर दिया जाता है, तो वायुमंडल में गैस का अंतिम दाब क्या होगा साथियों? तो अंतिम दाब क्या होगा? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 22 ATM। ठीक है, चलिए अगला है बुलेट प्रूफ बनियान पहने एक व्यक्ति रोलर स्केट्स पर खड़ा होता है, कुल द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाई जाती है, यह बनियान के द्वारा रुक जाती है और जमीन पर गिर जाती है, तो आदमी का वेग क्या रहा होगा दोस्तों? तो आदमी का वेग क्या रहा होगा साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों आपका मेरे साथ दोस्तों ये हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला है कि यदि कोई लड़का मेज पर 5 न्यूटन का बल इस प्रकार लगाता है कि मेज लगाए गए बल के लंबवत 5 मीटर विस्थापित हो जाती है दोस्तों, तो कार्य किया गया कार्य क्या होगा? तो साथियों क्या हो जाएगा? एक मिनट साथियों, इसका सही आंसर आपका सॉरी दोस्तों ये वाला आपको जाएगा बी नंबर। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, यदि कोई लड़का मेज पर 5 न्यूटन का बल इस प्रकार लगाता है कि मेज पर लगाए गए बल के लंबवत 5 मीटर विस्थापित होती है दोस्तों, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। ठीक है, क्या जाएगा? 0। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वीय विभव की विमाएं क्या होंगी? गुरुत्वीय विभव विमाएं क्या होंगी साथियों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला है 1 mu/1 fm, इस ये बराबर किसके होगा साथियों? तो हमारा ए बिल्कुल सही जाएगा, 10^9। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है एक संरचनात्मक स्टील छड़ की त्रिज्या 10 मिलीमीटर और लंबाई 1.0 मीटर है, 100 kN बल इसे अपनी लंबाई के अनुसार फैलाता है, तो क्षण पर प्रतिबल का मान क्या होगा? तो क्षण पर दोस्तों प्रतिबल का मान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, 3.18 × 10^8 न्यूटन मीटर -2 है ना, ये सही जाएगा। चलिए अगला है रैखिक गति में बल की घूर्णी एनालॉग है दोस्तों, तो कैसी है? तो आपको पता होना चाहिए बल आघूर्ण है, सही है, उसका जाएगा हमारा ए नंबर, बल आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है समय की इकाई के मानकीकरण के लिए किस तत्व के समस्थानिक उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो किसका किया जाता है? सीजीएम का। किसका? सीजीएम, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 0.000356 संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे? तो कितने सार्थक अंक होंगे साथियों? तो 3 सार्थक अंक हैं। कितने हैं?
तीन सार्थक अंक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेल्सियस तापमान और फॉरेनहाइट तापमान में क्या संबंध है साथियों, तो क्या संबंध है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला, यदि कण त्रिज्या आर की एक समान वृत्ति गति से गति करता है तो इसकी गति का आवर्त यानी टी है दोस्तों, तो इसकी गति का आवर्त टी क्या होगा, तो 2π/w दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला, पीतल किससे मिला हो दोस्तों, तो पीतल किससे मिलता दोस्तों, तांबा किससे मिला दोस्तों, तो तांबा और जस्ता से, किससे दोस्तों, तांबा और जस्ता से मिला हुआ है आपका पीतल। अगला है, एक परमाणु संहति मात्रा किलोग्राम दोस्तों क्या होगा, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर 1.66 × 10⁻²। चलिए अगला है, यात्रा की गई कुल पथ लंबाई को उस कुल समय अंतराल जिसके दौरान गति हुई है से भाग दिया था दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, औसत गति बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब तापमान में अंतर के कारण द्रव के भीतर गति द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, ऊर्जा के अंदर जो स्थानांतरण होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम संवहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि मानक थर्मामीटर कौन सा है जिसके संदर्भ में अन्य सभी थर्मामीटर अंशांकित किए जाते हैं दोस्तों, तो कौन सा होता है, प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। ठीक है, चलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, अधातुमें ऑक्साइड बनाती हैं जो हैं, अधातुमें ऑक्साइड बनाती हैं जो हैं, क्या हैं साथियों, तो आपको पता होना चाहिए या तो अम्ल या तटस्थ। ठीक है, चलिए अगला है 79 नंबर, 450 केल्विन और 300 केल्विन के तापमान के बीच चलने वाले कार्नोट इंजन की क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्षमता है कितना, 33%, कितना साथ 33%। और अगला क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर क्या है दोस्तों, कहा गया है कि यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समानांतर से जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध RT क्या होगा, तो RT क्या होगा साथियों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। चलिए अगला है, ओम के नियम के अनुसार कौन सी विद्युत राशि आनुपातिक धारा प्रवाह का कारण है दोस्तों, तो कौन सी है, तो वोल्टेज यानी कि वोल्टता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग होता है दोस्तों, तो किसका होता है, तो पोर्सिलेन का होता है दोस्तों, किसके रूप में, विद्युत इंसुलेटर के रूप में। चलिए अगला है, तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज में शून्य डिटेक्टर के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो किसका किया जाता है, तो किसका दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का। ठीक, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। चलिए अगला है कि बर्नियर वेबल है ना प्रोटेक्टर का अल्पतमांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है साथियों, तो सूत्र इसका क्या है, यह आपको बताना, तो आपका सही हो जाएगा दोस्तों 2 MSD - 1 VSD, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ के कुल प्रतिरोध मान में क्या परिवर्तन होगा, तो साथियों उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, तो वो होता है साथियों बढ़ता है, क्या होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, बढ़ता है। चलिए अगला है कि नीचे दिए गए चित्र में धाराओं के बीच क्या संबंध होगा साथियों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 88 नंबर देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है साथियों, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको पता है कि विद्युत धारा का क्या होगा दोस्तों, इकाई एम्पियर हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, किस तत्व की अंतिम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, तो चांदी और तांबा दोनों में, क्या, चांदी और तांबा दोनों के। चलिए अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, तो कब होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, 1 ओम प्रतिरोध वाले तत्व की चालकता का मान क्या होगा दोस्तों, 1 ओम वाले किस क्या होगा दोस्तों, तो 1 ओम MSO है ना, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला है, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है जहां 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकों की समानांतर व्यवस्था को 8 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रृंखला में रखा गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका
10 OSM, ठीक है। चलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, नेटवर्क में किसी भी बंद पथ के चारों ओर वोल्टेज का बीज गणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों किसके बराबर होगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी 0 के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 100 वोल्ट की आपूर्ति में है ना 0.5A करंट खींचने वाले लैंप द्वारा खपत ठीक है की जाने वाली बिजली क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए 50 वाट। कितना? 50 वाट। अगला है, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोधक को 10 वोल्ट बैटरी टर्मिनलों में जोड़ा जाता है तो खींची गई विद्युत होगी दोस्तों 1 एम्पियर। क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। चलिए अगला, असुरक्षित काम करने की आदतों से हमेशा यह नुकसान होता है। क्या होता है अगर असुरक्षित आप करते हैं दोस्तों? तो उत्पादन ठीक है, लाभ और व्यक्तिगत चोट, या ये सभी दोस्तों। तो आपको पता है कि क्या हो सकता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। अगर असुरक्षित काम करने की आदत से हमेशा यह नुकसान होता है ठीक है, तो साथ ही मैं आपको बता दूं तीनों नुकसान होते हैं। आपके लाभ में भी नुकसान होता है, आपके उत्पादन में होता है, और व्यक्तिगत चोट भी आपको लग सकती है अगर आप असुरक्षित काम करते हैं। तो अगला है, विद्युत ऊर्जा ई की गणना का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ई की गणना का सूत्र क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? पावर इंटू समय साथियों, पावर इंटू टाइम, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सिलिकॉन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? कितने होते हैं? तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 4, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आपका। एक लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट या उपकरण में कुछ खराबी है और आपको उसकी मरम्मत सर्विस करने की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे सुरक्षा अभ्यास को नहीं दर्शाता मेरे साथियों? तो कौन सा नहीं दर्शाता है? देखिए पहला है स्टूल, लकड़ी के स्टूल पर खड़े हो जाओ दोस्तों, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। एक इंसुलेटेड सीढ़ी पर चढ़ जाओ दोस्तों, ये भी सही है। मुख्य स्विच चालू रखें और सर्किट चालू रखें दोस्तों, बिल्कुल गलत है दोस्तों, मार दे करंट ना चले आओगे। तो दोस्तों सी ऑप्शन का होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला है, गंभीर रक्तस्राव के मामले में क्या तत्काल कार्रवाई दी जाए की सलाह दी जानी चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों कैसी सलाह दी जानी चाहिए आपको यह बताना है। जब गंभीर हो जाए दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जब गंभीर रक्तस्राव हो तो घाव पर दबाव डालना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि आग को फोम रेत आदि के साथ कवर करके ऑक्सीजन की पूर्ति से अलग करने की प्रक्रिया द्वारा आग को बुझाने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्मॉथरिंग कहते हैं। क्या होते हैं? स्मॉथरिंग कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, बिजली के झटके का पीड़ित बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा है, यदि पीड़ित का मुंह कसकर बंद है तो कृत्रिम पुनर्जीवन श्वसन कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी दोस्तों? तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी दोस्तों इसका बताइएगा। तो कौन सी होगी? मुंह से मुंह वाली विधि, या फिनेसन की विधि, या सैफर की विधि, या होलगर नीलसन की विधि दोस्तों? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सैफर की विधि या होलगर नीलसन की विधि, है ना। चलिए अगला है, कौन सा क्वेश्चन कि निषेध और अनिवार्य प्रकार के सुरक्षा संकेतों के लिए किस आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किसका किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए वृत्ताकार का। किसका दोस्तों? वृत्ताकार आयोग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 104 नंबर, आग बुझाने की ठीक है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? आग से ईंधन तत्व निकालना। क्या होता है? आग से ईंधन तत्व निकालना, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है, एक ईंधन के रूप में गैस और या तरल गैस से जुड़ी आग को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? किसके इस रूप में दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए क्लास बी फायर में, ठीक है। चलिए अगला है, ईंधन के रूप में बड़ी लकड़ी कपड़े या कागज से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है साथियों? तो कौन सी विधि है? तो ए नंबर, आग के आधार पर और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर पानी के जेट छिड़काव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या साथियों कि धातु का कौन सा गुण आघात या टक्कर करने की क्षमता का वर्णन करता है दोस्तों? किसमें करता है? तो आपको पता होगा किसमें करता है? आघात वर्धनीयता में दोस्तों। आपको पता है किसी चीज को बढ़ाना होता है तो उस पर चोट करते हैं बहुत तेजी से, और इसे सोने को बढ़ाना तो उसे चोट करके उसमें आघात वर्धनीयता करके उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, एक पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है, एच अपॉन 2 की ऊंचाई तक गिरने के बाद इसके पास
क्या होगी साथियों, तो इसके पास क्या होगी, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, तो आधी गतिज और आधी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हमारा सी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धातु का कौन सा गुण उसके द्वारा उष्मा और या विद्युत को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है मेरे साथियों, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा चालकता, क्या चालकता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धातु का कौन सा गुण उसे बिना टूटे तनाव के तारों में खींचने में सक्षम बनाता है साथियों, तो किसमें दोस्तों, तो आपको पता है किसमें, तन्यता, मतलब उसको खींचने में बढ़ाने में तन्यता करने में ना। चलिए अगला क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका है 111 नंबर, किसी पिंड के विरामावस्था में दूरी समय के बीच का ग्राफ होता है दोस्तों, तो क्या होता है, समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी दिए गए बल को संपर्क के बड़े क्षेत्र पर लगाया तो दोस्तों उसके द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, तो वह दाब दोस्तों घटता है, क्या होता है, दाब घटता है। चलिए अगला है, घर्षण के बारे में से कौन सा सत्य है साथियों, घर्षण केवल चीजों को धीमा कर सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही, यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए ए ऑप्शन। अगला दोस्तों 114 नंबर देखते हैं, कि ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है साथियों, तो ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है दोस्तों, आपको पता होगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। चलिए अगला है कि महासागरी ताप विद्युत संयंत्र में कार्यरत द्रव्य है साथियों कैसा है, तो अमोनिया की तरह वाष्पशील द्रव्य, क्या, अमोनिया की तरह वाष्पशील द्रव्य। चलिए अगला है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, यदि इस कार के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा है, तो 25 सेकंड के अंत में कार का वेग होगा साथियों क्या हो जाएगा, 25 सेकंड के अंत में 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, बंदूक से चलाई गई 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, तो जूल में इस गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी साथियों, तो 2500 जूल, क्या, 2500 हो जाएगी। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अभिकेंद्र बल किसके लिए उत्तरदायी होता है साथियों, तो अभिकेंद्र बल किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो वित्त को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, चलिए पिंड को शरीर, है ना। चलिए अगला है, मान लीजिए कि एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत गति से चल रहे चक्रदोला पर सवारी का आनंद ले रहा है, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका तात्पर्य क्या होगा, तो वो तात्पर्य यह होगा कि वह त्वरण गति में है, किसमें है, त्वरण गति में है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है साथियों, किस ऊर्जा में घर्षण बल शामिल है दोस्तों, अब तो स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो साथियों ये हो गए आपके 120 के 120 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ये करिएगा दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप कम और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका हम कट ऑफ पर भी वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।